गेट जो है कहीं ना कहीं पीटा जा रहा है, गेट को ढकेला जा रहा है ताकि यह लोग को जाने दिया जाए। लेकिन क्या लगता है सर, जाने दिया जाएगा? नहीं, जाने नहीं दिया जाएगा क्या? इन लोगों के लिए कोई ऐसा लेटर नहीं दिया गया था? लेटर नहीं है राजभवन मार्च का? मजिस्ट्रेट साहब, चलिए यहाँ पर जो राजीव कुमार जी दरोगा है इन लोगों को मुख्य संघ को राजभवन जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लेटर नहीं है इन लोगों का। हमारी जो मांगे हैं यह बारी सरकार उसको पूरी करे, अगर यह पूरी नहीं करती है आने वाले समय में हम इसका जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। यहाँ पर किस तरह से जो है पूरे मुखिया संघ की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, आंदोलन का रूप ले रहा है, और यहाँ पर गेट जो है कहीं ना कहीं पीटा जा रहा है, गेट को ढकेला जा रहा है ताकि यह लोग को जाने दिया जाए। लेकिन कहीं से कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा है जो यह लोग इस पार कर सके और इसे पार कर राजभवन की ओर जाए। कहना चाहेंगे कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सारण जिला से, पानापुर प्रखंड से, नेमा सिंह मुखिया संघ अध्यक्ष पानापुर। जो आज जो 10/10/2023 को जो हम पटना में हम लोग आए हैं, संविधान बचाओ पंचायत बचाओ अधिकार का जो हनन हो रहा है सरकार के माध्यम से, उसके लिए कोई लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी आप लोग को देखे कि रास्ते में भी जा रहे थे राजभवन की ओर। जी, तबीयत खराब है इसलिए हम लोग घूम आए। अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और नीतीश जी को तो मानना पड़ेगा, पंचायती राज भी एक संस्था है भाई, व्यवस्था है, मेरा भी अधिकार है, मेरे अधिकार को हनन किया जा रहा है। हम लोग जनता में बोर हो रहे हैं, अधिकार हमारे पास रह नहीं गया है, इसलिए हम आए हैं अपने सरकार से अपना अधिकार को पुनः आपस करने के लिए। अधिकार मिल जाएगा, कोई लड़ाई नहीं है सरकार से। आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो मेरा मुहिम है, बहुत से ज़्यादा संख्या में बिहार से हर कोना से लोग आए हैं, हर मुखिया लोग आए हैं, मेरा माननीय मुखिया इस गर्मी धूप में आकर अपना पसीना बहा रहे हैं, इसका फायदा अघाटी तो समय से पता चलेगा। हम लोग का अधिकार का खिलाफ सरकार का रवैया रहेगा तो हम लोग भी सरकार को समय से विरोध करेंगे। क्या लगता है सर, अपना परिचय दीजिएगा। नेमा सिंह मुखिया, पानापुर प्रखंड, सारण जिला। क्या आज कहाँ कितना लग रहा है कि आप लोग का यह सफलता पूर्वक यह सफलता हम लोग को मिलेगी, अपूर्ण रूप से मिलेगी। हम लोग पूरे बिहार के पंचायत के सारे मुखियागण अपने मांगों को लेकर पहुंचे हुए पटना गर्दनी बाग में, और हमारी जो जुलूस गई है वह रैली को आप देखे होंगे कि कितने दमदार में गई है। और एक्चुअली वी आर डिमांडिंग आवर राइट्स व्हिच आर गिवन अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर 73rd Amendment, दैट ओनली अबाउट द 19 points। जो हम लोग का 19 points है, 19 सूत्री मांगे, उसको हम लोग डिमांड करें, और यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है दैट वी हैव फाउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। हम लोग दोनों गवर्नमेंट से इस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि जो हमारे पंचायती राज के अधीन जो भी राइट्स है वो हमको मिलना चाहिए। क्या हम पानापुर प्रखंड ग्राम पंचायत राज मोहम्मदपुर मुखिया, हम लोग आए हैं गर्दनीबाग में अपनी मांग को पूरा करने के लिए। हमारी 19 सूत्री मांगे हैं, ठीक है ना, इसमें कबीर अंतुष्टि है और बहुत से योजनाएँ हैं जो हम लोगों को कटौती किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन आज किए हुए हैं। देखे कि एकदम जोश के साथ जा रहे थे राजभवन की ओर। जी, और पूरा आप लोग का संख्या भी बहुत ज्यादा था। जी, आगे वीडियो में है। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस संख्या से, आज सरकार पे कोई प्रभाव पड़ने वाला? एकदम प्रभाव पड़ेगी, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगी। आज हम लोग ये दिखा देंगे कि हाँ भाई हम लोगों में कितना दम है, कितना दम है आप लोगों में। मनोज राय, पानापुर टोटहा मुखिया प्रतिनिधि। हम लोग आए हैं, आप लोग 19 सूत्री मांग है, जब तक हम लोग के मांगों का पूरा नहीं होता है तब लोग हम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और हमारी जो जुलूस निकले आप देखे होंगे संख्या, अभी तो लगभग हम लोग 90% आए हैं, अभी 10% और मुखिया हम लोग पहुँचने वाले हैं पटना में। और यह मांग सरकार को माननी पड़ेगी, और यह फंडामेंटल राइट है कि हम लोग प्रेशराइज करके अपना डिमांड को फुलफिल करें। ऐसी मजबूरी हुई कि गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मुखिया संघ ये मजबूरी नहीं है, ये चुनौती है। सरकार ने, बिहार सरकार ने खासकर हम लोगों मुखिया सामने एक चुनौती पेश की है,
आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भांति पंचायत में भी सरकार गठित हुआ 73वां संशोधन के आलोक में, और उसके लिए अधिकार भी प्रदान किए गए। पंचायत बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 भी पास हुआ, और आज सरकार लापरवाही बरत रही है। सरकार पंचायत ग्राम पंचायत सरकार को बिहार सरकार अपना डिपार्टमेंट के रूप में यूज कर रही है, डिपार्टमेंट ये समझ लीजिए, जबकि हमारी ग्राम पंचायत सरकार है, स्थानीय सरकार है, जिसे अपनी स्वायत्तता है, जिसे 73वां संशोधन के द्वारा 29 विषय प्रदान किए गए, और उसमें जो कटौती हो रही है उसके खिलाफ हमारे हम लोगों की लड़ाई है। और हम लोगों की लड़ाई अब तो पंचायत बचाने की है। अरे हम तो मुखिया के रूप में 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल बीत गया, 3 साल और बाकी है, हो सकता हम नहीं रहें, लेकिन पंचायत रहेगी, ग्राम सभा रहेगी, और उस पंचायत और ग्राम सभा को हमें बचाना है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई अनवरत जारी होगी जब तक कि पंचायत के अधिकारों को बहाल न कर लिया जाए। आज की क्या रणनीति है? आज की रणनीति है, अभी हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, और यहां से हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। जी करेंगे, अभी थोड़ी देर में 1 बजे यहां पर कुछ करेगा बिहार के सारे मुखिया लोग। अरे लाठी से डर या हम उस मिट्टी की उपज है। अंग्रेजों को भगाया हमने, मुगलों को भगाया हमने, हमने गोली खाई सीने में, हमने तोप खाया सीने में, और कहते हैं वर्तमान सरकार अपनी सरकार जो गलत रास्ते पर चल रही है उससे भी हम लोग डर जाएं, ऐसा कदापि संभव नहीं। डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे नहीं, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम जमादार सिंह, मुखिया संघ जम्मू जिला का अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के जो कटौती किया है उसको वापस देना होगा, और नहीं तो हम लोग ये अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग सर पूरे बिहार के मुखिया जीते लगभग 2 वर्ष हो रहा है, 2 वर्ष में और 90% लोग गांव में लोग बसते हैं, गांव का विकास ठप है, हम लोग गांव में दिखाने लायक नहीं बचे हुए, सारी योजनाओं को बंद कर दिया है। देखिए क्या लग रहा है, आज के व्यवस्था को देख के सरकार को समझ आ गया होगा कि मुखिया को जो निपंगू समझ रहे हैं वो उनको मुखिया की ताकत को समझना होगा उनको, कि मुखिया जन जन के नेता है, आम आदमी से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम लोगों को दरकिनार करेंगे तो आने वाले समय में वो खुद ब खुद दरकिनार हो जाएंगे। क्या लगता है कि आप लोग की एकता रहेगी? एकदम रहेगी, एकता अक्षुण्ण रहेगी, और उनको हमारी ताकत को इस बार समझ में आएगा कि हमारी क्या ताकत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास पुरुष कहे जाते हैं, हम लोग मानते भी थे, लेकिन पता नहीं किनके कहने पर ये कहां से उनको सुबुद्धि आई है जो कि हम लोग के खिलाफ में वो काम आई है। हाँ अरे कहां से आए, परिचय अपना। जम्मू से हैं, जम्मू जिला उपाध्यक्ष। क्या